नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। नजर डालते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुई आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। सूत्रों के अनुसार टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। गांदरबल के गंगनीर इलाके में श्रीनगर ले नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में लोगों की भर्ती औसत उम्र चिंता का विषय है। परिवारों को कम से कम दो या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आने वाले समय में जिनके दो या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वहीं स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार को मौसम में अचानक बदलाव हुआ। करौली, कोटा, जैसलमेर समेत कई जिलों में बादल छाने के साथ कुछ जगहों पर बारिश हुई और कुछ जगह ओले गिरे। मौसम में ये बदलाव स्थानीय स्तर पर वेदर सिस्टम बनने से हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आज भी मौसम बदलेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के पास ही करीम कॉलोनी गुम्बट में शनिवार की रात पहाड़ से गुजरी। एक घर के आंगन में 6 शव रखे हुए हैं। इनका अंतिम संस्कार आज होगा। यह हादसा बाड़ी शहर से 8 किलोमीटर दूर सुन्नीपुर में 19 अक्टूबर की रात 11 बजे हुआ। इसमें तीनों परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई थी। जयपुर में करवा चौथ की रात पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। पत्नी ट्रेन के आगे कूद गई, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए। पटरियों पर पत्नी की लाश के टुकड़े देख पति खुद को संभाल नहीं पाया, घर जाकर वह भी फंदे पर झूल गया। रात को पति के घर लेटाने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आरपीए स्थित शहीद स्मारक पर सुबह 7:30 बजे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर और परेड का आयोजन हुआ। रविवार को देश भर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया गया। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी कपल्स ने भी सेलिब्रेट किया। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा से लेकर उनकी बहन परिणीति चोपड़ा, कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन के फोटोज शेयर किए। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।